बच्चों आज आप करांगे पंजाबी दा पाठ सतवां बाल खेडां। रल के खेडा खेडन बच्चे पोली पाली दिल दे सच्चे गलियां दे विच रोला पावन नाल खुशी दे हेका लावन नचन टप्पन मारन ताड़ी बन जांदे चट पक्के आड़ी एक दूजे नू हाका मारन साथ मड़िके दाई तारन लुकन मिची खेड़दे नसन लपन पिछो खिड़खिड़ हसन खेडन को कला च पाकी कुम्मे इक ते बैठे पाकी कोकला कांगड़े खेड नियारी सबनों लगे बड़ी प्यारी। खेडन रल के खूब कबड्डी धरती ते नाल लावन अड्डी कदे पिठू दी खेड रचावन गेंद मार के पिठू टावन अन्ना जोटा बन बन पच्चन पिछू खेड के कदे न रजन कदे बैठ कर सुनन कहानी कदे खेड दे लून मदानी डंडा पंडारिया किन्ना कुबोज खेडन मिलके शामी रोज रस्सा टप्पन खेडन कुड़िया गीटे खेडन वेड़े जुड़िया होर भी खेडा खेडन बालक अपनी ही मर्जी दे मालक चेते आवे बचपन प्यारा खेडा दासी बड़ा नजारा रल के खेडा खेडन बच्चे पोले पाले दिल दे सच्चे। बच्चों ए सी साडा पाठ बाल खेडा। आओ हुण इस नाल जुड़े प्रश्न उत्तर करिए। ओड़ा प्रश्न रल मिल के पोले पाले बच्चे की करदे हन? दसो बच्चों। खेडा खेडदे हन, बिल्कुल ठीक। इसका उत्तर है रल मिल के पोले पाले बच्चे खेडा खेडदे हन। एड़ा प्रश्न बाल खेडा कविता विच केड़ियां केड़ियां बाल खेडा दा जिक्र आया है? उत्तर बाल खेडा कविता विच लुकन मिची कोटला छपाकी कुक्का कांगड़ी कबड्डी पिट्ठू पिच्छू लून मदानी पंडा पंडारियां आदि बाल खेडा दा जिक्र आया है। प्रश्न इड़ी कविता अनुसार कुड़ियां केड़ियां बाल खेडा खेड़दियां हन? दसो बच्चों। इसका उत्तर है कविता अनुसार कुड़ियां रस्सी टपना ते गीटे खेड़दियां हन। प्रश्न सस्सा कवि अपने बचपन नू क्यों याद करदा है? उत्तर कवि नू बचपन विच साथियां नाल खेड़ के बहुत आनंद आउंदा सी, इसलिए ओ अज भी बचपन नू याद करदा है। आओ बच्चों हुन वधदे हां अगली एक्सरसाइज वल। नंबर 2 हेठ लिखियां काव्य सत्रा पूरियां करो। उड़ा नचन टप्पन मारन ताड़ी बन जान दे चट पक्के आड़ी एड़ा एक दूजे नू हाका मारन साथ मड़के दाई तारन। निम्नलिखित काव्य सत्रा दी व्याख्या करो। कदे पिठू दी खेड रचावन गेंद मार के पिठू टावन अन्ना जोटा बन बन पच्चन पिच्छू खेड के कदे न रचन। व्याख्या अपरुक्त सत्रा दा भाव है कि बच्चे कदे पिठू खेड दे हन अते गेंद मार के पिठू टा देंदे हन, कदे ओह अन्ना जोटा बन के पचदे हन अते पिच्छू खेड़दे ओह कदे भी रजदे नहीं। आओ बच्चों हुण वधदे हां अगे। ओखे शब्दां दे अर्थ दसो। हेक इस दा मतलब है गाउन वेले कड्डी उच्ची ते लंबी आवाज जा लंबी सुर। चट मतलब तुरंत। आड़ी दोस्त
हाका आवाजा। दाई इसका मतलब है वारी। मड़िकना किसी खेड विच हानिया दी वंड करन ली अपनी फर्जी ना रखना। न्यारी मतलब वक्री। बोझ इसका अर्थ है पार। वेड़ा घर विच खुली थां उसनू आखदे हां वेड़ा। बालक बच्चा। नंबर 5 मिलान करो। लुकन मिट्टी शब्द दा मिलान किया गया है नसन शब्द दे नाल। इस तरह असी बाकी खेडां दा वी उहनां नाल संबंधित शब्दां नाल मिलान करांगे। आओ फिर शुरू करिए। पिट्ठू पिट्ठू शब्द दा मिलान करांगे असी टावन शब्द दे नाल। पंडा पंडारिया। बोझ रस्सी टप्पा। इस दा मिलान करांगे असी कुड़ियां शब्द दे नाल। बच्चों ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਬਾਲ ਖੇਡਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ